ना आपको बहुलक का एक वीडियो दिया था, है ना। बहुलक में आपको बताया था कि किसी भी क्लास 10th के किसी भी पार्ट से आपको बहुलक पूछ दे, या बहुलक को, या आपसे एक होता है वर्गीकृत, एक होता है अवर्गीकृत, दोनों पूछे तो आपसे बन जाएगा। अगला जो वीडियो है वो माध्य का है। माध्य में आपको 3 विधि होता है, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि और पग विचरण विधि, तीनों विधि बताएंगे। उससे पहले जो 2024 में लगातार 3 प्रश्न पूछा था फर्स्ट और सेकंड सिटिंग मिला के, वो इस टाइप का प्रश्न था और इस टाइप का प्रश्न था, है ना। इस टाइप का प्रश्न पूछ चुका है, ये आपको पूछने की गारंटी है। इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आने वाले संभावित एग्जाम में। तो चलिए, इससे पहले कि हम आपको इस सभी वीडियो का दिखावे, उससे पहले माध्य का जो 3 फॉर्मेट हमने देखा है, एक होता है आंकड़ों का माध्य, छोटा वाला, एक बटन का माध्य दिया हो तो कैसे निकालें। उसके बाद आपको 3 विधि पर जो बनता है, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन पर, वो देखेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले एक बात समझिए कि हम नंबर 1 को कैसे बनाएंगे, यानी पहले वाला को जो #1 है उसको कैसे बनाएं। उसके बाद देखेंगे, फॉर्मूला भी बताएंगे आपको, है ना। उससे पहले देख लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें, आपको चर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चर। तो जो दिया हुआ है, पहले आप लिख लीजिए माध्य बराबर, डायरेक्ट इसको बनाते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं इसको। माध्य बराबर ऊपर वाला बना रहे हैं, माध्य में क्या सब दिया हुआ बता दीजिए हमको, 2 है, आप 2 लिखिए, ठीक है। उसके बाद गुणा का सम बोल दीजिए, नीचे कितना है 3, इसको भी लिखिए और गुणे कीजिए 3। बीच में फिर प्लस का सम बोल दीजिए, फिर कितने लिखिए 4। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, शॉर्टकट विधि बताते हैं आपको, ज्यादा हम समय इसमें नहीं ले रहे हैं। 4 नीचे क्या है, 4, इसको भी 4 लिखिए। प्लस में क्या है, 3 दीजिए, उसके बाद गुणे फिर दीजिए 2, ठीक है, 2 है। आप समझिए, एक बार नीचे, एक बार जो नीचे ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का गुणा होता है, फिर इसका ऊपर नीचे वाला दोनों को फिर गुणा करके जोड़ेंगे, फिर 7 और 4, 7 × 4, फिर लिखिए 8 × 6, 8 × 6 अपॉन में जो जितनी संख्या सब लिख दीजिए, 3 है 3 लिखिए, 4 है 4 लिखिए, प्लस में 2 है 2 लिखिए, 4 है 4 लिखिए, प्लस 6 है 6 लिखिए, सारा नीचे वाला सारा लिखाएगा, इस दोनों का गुना होगा ध्यान रखिएगा, और नीचे वाला में सारा जुट के लिखाएगा, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया आपको, देखिए 2 और 3 इसको गुना करेंगे 6 आएगा, 4 और 4 का 16 आएगा, यानी द्वितीया 6 होता है, चौचौका 16 होता है, और प्लस का प्लस, 3 × 6, 7 × 4 = 28, और प्लस 8 × 4 = 48, अपॉन कीजिए 3 और 4 7 और 2 9, 9 और 4 9 और 4 13, 13 और 6 19, ठीक है। अब उसके बाद इसको सारा को जोड़िए, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 और 28 56, 16 और 6 22, 22 6 28, 28 28 56, और 56 में 48 जोड़ दीजिए, 8 6 14 4 हासिल 1 9 10, 104, कितना आया 104, 104 अपॉन में 19। आप जिस तरह से बताए हैं आप उस तरह से बना दीजिएगा, चाहे एड कीजिए आप एड सही से कर लीजिएगा, सबट्रैक्ट और इसका मल्टीप्लाई सही से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका डिवाइड कर दीजिएगा, अब इसको भाग दीजिए, 104 में आपको देना है कितने से भाग, 19 से दीजिए। देखिए आपको ये भी सिखाते, 19 × 5 = 95, ठीक है, कितना बचा 9, दशमलव दीजिए 0, कितना बार में 19 × 5 = 95, 19 चौके लगाइए, इस बार 19 का टेबल को 4 बार पढ़िए उसका, तो 76 आएगा, 76। अब कितना आ रहा है इसमें, फिर 4 और ये तो हो गया 1 14, अब कितना बार लगाइएगा, फिर यहाँ 0 दीजिए, 19 × 5 = 95, 19 छक्के लगा दीजिए इसमें, 19 छक्के, न छक्के 54 के 4 हासिल 5, और देखिए न छक्के 54 के 4 हासिल 5, 1 × 6 = 6 और 5 = 11, ये नहीं लगाइए, और बेसी लगा सकते हैं आप, 19 सत्य पढ़िए, ठीक है, 19 सत्य लिख कर दीजिए, 19 को 7 से, देखिए 63 के 3 हासिल 6 7 और 6 13, 133 लगा दीजिए, 133 कितना आया 7। अब इस 7 को आप यहां पर 7 ही बचा, अब इसको एक बढ़ा के लिख दीजिए, अब जो आया वही आंसर हो जाएगा 5 पॉइंट, इसको काटने के बाद क्या आंसर आया 5.48, ये आपका हो गया आंसर, ये पहले वाला सवाल का। अब किस तरह से बनाए, आपको छोटा छोटा हल भी दिखा दिया आपको हम, है ना, एक सब्जेक्ट का और एड का,
एक बेहतरीन वीडियो आने वाला है ना, एकदम शॉर्टकट की आपको बताने वाले हैं, उसके बाद उस वीडियो को दिखाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से देख लिए कैसे बना, हमने दशमलव का भी बता दिया आपको, कैसे डाला, काट के भी दिखा दिया, गुणा करके भी दिखा दिया, भाग करके भी दिखा दिया। चलिए इसी का दूसरा मेथड फिर देखते हैं। निम्नलिखित बटन का माध्य 6 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए, इसका माध्य का फिर दे दिया है 6, ये नंबर 2 क्वेश्चन है। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका माध्य 6 है, तो माध्य 6 दिमाग में रखिएगा, अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन को बना रहे हैं, इसका भी एज इट इज बनाइए, माध्य बराबर लिखिए, फिर माध्य बराबर है ना, आप बनाइए इसको, आप 2 से गुणा कीजिए 3 को, तो 2 × 3 जैसे ऊपर में किए थे एज इट इज इसमें भी होगा। अच्छा 4 को गुना कीजिए 2 से, 4 × 2 प्लस 6 × 3 कीजिए, 6 × 3 अब प्लस पी प्लस 5 है, अब पी प्लस 5 इसको कोस्ट कर दीजिए, गुना के रूप में लिख दीजिए 2 अब प्लस 10 × 1 कीजिए, 10 × 1 अपॉन में जो संख्या सब सब लिख दीजिए, 3 जो हर में है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, अंश हर दोनों को गुना होता है ना, समझ गए ना। उसके बाद नीचे वाला जो भी आपका हर में सभी लिख दीजिए, 3 है तो 3 लिखिए, 2 है 2 लिखिए, फिर 3 है फिर 3 लिखिए, फिर कितना है 2 है 2 लिखिए, फिर 1 है 1 लिखिए। अब चलिए सबका एक बार गुणा कर दीजिए, 2 को 3 में करेंगे 6, यानी द्वितीय 6, 4 दूनी 8, 6 × 3 18 हो जाएगा, 18 पी को 2 से करेंगे 2 पी, और फिर 5 को 2 से करेंगे, एक बार इसको और फिर एक बार इसको, तो 5 × 2 = 10 और 10 × 1 = 10 सबको जोड़ दीजिए, 3 × 2 = 5, 5 × 3 = 8, 2 × 10 = 11 11। अब थोड़ा इधर आ जाइए, देखिए इस सब को आप क्या कीजिए, पहले किसके बराबर लिखे थे ये थोड़ा देख लीजिए, ये माध्य के बराबर है ना, यहाँ बराबर रखिए, यहाँ 6 रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, क्यों, माध्य का मान आपने 6 लिया था, अब यहाँ से सेल्फ कर दीजिए सीएम, सीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, सबको 1166 लिखिएगा बराबर में, उससे पहले सबको जोड़ दीजिए, 8 × 6 = 14 14 और 18 14 और इधर पहले रुकिए, 8 × 6 = 14 14 और 10 24 24 और 10 कितना होता है 34 और 34 और 18 है ना, 34 और 18 यानी 28 में गया 42 52 प्लस 2 पी, जब बराबर कीजिएगा तो 52 प्लस 2 पी आएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 11 × 6 = 66 एक बार और कर लीजिए इसको गुना, देख लीजिए इस बार जोड़ कर लीजिए, एक बार पहले गुना तो देख ही लीजिए, जोड़ लीजिए 8 × 6 = 14 14 और 18 तो 14 और 18 हो गया आपको है ना, 14 इधर और 18 तो 32 22 और 10 32 32 और 20 52 ठीक है, प्लस में 2 पी अलग रहता तो अलग लिखा आएगा, 11 को 6 से कर दिया 11 × 6 = 66 हो गया, वेरी गुड, देख लीजिए। अब इधर देखिए 2 पी का 2 पी और 66 का 66 प्लस उधर गया तो माइनस में 52 हो जाएगा, बराबर हो गया 66 − 52 कीजिएगा इसको, प्लस में था इधर गया तो माइनस में हो गया, तो इधर 2 पी बराबर जब घटाइएगा तो 14 आएगा, अब 2 से काट दीजिए इसको, पी बराबर हो गया इसका 7, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ये इसका हो गया आंसर। अब आपको बताते हैं, आपको कहे थे कि आपको 3 वो विधि दिखाएंगे है ना, एक होता है कल्पित विधि, एक होता है प्रत्यक्ष विधि, एक होता है पग विचलन विधि माध्यक निकालने के लिए। आइए हम पहले सवाल को तीसरे सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे, पहला दूसरा आपने देख लिया, तीसरे सवाल को देखिए, ये आपने देख लिया है, ये दोनों सवाल आपने देख लिया जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पूछे जाते हैं प्रश्न, दोनों आपको मैंने दोनों दिखा दिया। अब उसके बाद आपको दिखाते हैं तीसरा विधि जिसका नाम है पग विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि, 3 विधि से सवाल बनेगा। देखिए पहले आपको लिखना पड़ेगा, पहले समझिए विधि क्या होता है, पहले समझिए माध्य निकालने के लिए हम 3 सूत्रों का प्रयोग करते हैं, क्या निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए हम 3 सूत्रों का प्रयोग करते हैं, 3 सूत्रों का प्रयोग करते हैं जिसका नाम, पहला का नाम होता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र समझिए, पहले इसका सूत्र देख लीजिए, इसका जो सूत्र होता है यानी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है ना, इसका जो सूत्र होता है माध्य बराबर है ना सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। अब इसको जो पढ़ते हैं, देखिए सुनिए, इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, हम इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा। और ये जो देख रहे हैं एफ, इस एफ का मतलब होता है कुल बारंबारता, क्या होता है कुल बारंबारता, एफ का मतलब कुल बारंबारता। एक चीज और देख रहे हैं आप इसमें एक्स,
इस एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है ऊपरी सीमा, यानी ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अब बट्टा में दो, ये वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन दो बट्टा में दो, ये निकालने का सूत्र होता है वर्ग चिन्ह निकालने का। ये सिग्मा एफ एक्स, आप कहिएगा भैया सिग्मा एफ आई और कॉम गुने एक्स आई भी हो सकता है बट्टा में एफ आई, सिग्मा एफ आई, हाँ ये भी होता है, आई भी आप डाल सकते हैं इसमें, हमने आई को हटा दिया है सामने से, बुझ गए हैं। अब दूसरा इसी का होता है, एक और विधि होता है जिसका नाम होता है कल्पित विधि, इसको बोलते हैं कल्पित विधि, है ना, कल्पित, ठीक है, कल्पित विधि। अब समझिए कल्पित विधि क्या होता है या कल्पित विधि क्या होता है ना, इसका जो सूत्र होता है माध्य निकालने का, इसका अलग होता है। देखिए इसका होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये तो सिग्मा, ये सॉरी 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 सॉरी, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, मुझे ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ऐसे ये ठीक लगेगा। आप समझिए इसमें सिग्मा एफ तो बूझते हैं कुल बारंबारता, डी नहीं बूझते हैं आप, ए नहीं बूझते हैं, समझिए ये जो निकलता है वर्ग चिन्ह से निकलता है, किससे, ये जो निकलता है वो वर्ग चिन्ह से निकलता है। अब वर्ग चिन्ह का ऊपर और बीच वाला होता है, बीच वाला यानी मध्यमान, मध्यमान होता है, अगर सेम हो तो छोटा वाला मान लेंगे, अगर मध्य हो, देखिए बीच वाला मान लेंगे मध्यमान, और दोनों मान लीजिए हम कोई लिखे नौ, नौ दू छ तीन दू, तो इधरों काट दीजिए, इधरों इधरों हटाइए, इधरों हटाइए, बीच वाला ये मान हो जाएगा छ मध्यमान। लेकिन इसी में अगर हम कहीं चेंज कर दे तो छ रहे दू रहे तीन रहे चार रहे तीन रहे आ फिर दू रहे, तो अब कौन लेंगे, दू को इधर हटा दीजिए, दू को इधर, दोनों बचा रहे दोनों में, तो कम वाला मान लेंगे, तीन हो जाएगा करें सर, ए का मान तीन हो जाएगा ये में वर्ग चिन्ह में, बुझ गए, वर्ग चिन्ह में इसका मान तीन हो जाएगा, समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये भी समझ गए, डी डी जो निकलता है, डी निकालने का जो सूत्र होता है एक्स में से ए घटा दीजिए तो डी निकल जाएगा, एक्स में से ए घटा दो, वर्ग चिन्ह में से ए घटाते जाइए तो डी निकल जाएगा, समझाएंगे सवाल में समझा देंगे आपको। आइए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, है ना। अब जो एक विधि है जिसको कहते हैं पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ठीक है, इसको हम प्यार से कहते हैं, इसको हम प्यार से कहते हैं पगला विधि, है ना, इसको हम दुलार से कहते हैं पगला विधि। इसका जो सूत्र होता है वो देख लीजिए गुरुजी, इसका सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा में सिग्मा एफ अगुने एच, ये होता है इसका माध्य, ए प्लस सिग्मा एफ यू गुने बट्टा में सिग्मा एफ और गुने एच। भैया ई तो बुझबे करते हैं, यू नहीं आप बुझते हैं, ए तो बुझबे करते हैं आप बुझबे करते हैं, यू नहीं बुझते हैं, यू समझ लीजिए। यू जो होता है वो कहता है या तो डी में से डी के बट्टा में एच कर दीजिए, या यू निकालने के लिए, या यू निकालने के लिए एक चीज और करिए कि एक्स माइनस ए अपॉन एच। अब एच क्या होता है देख लीजिए, जरा ये जो वर्ग अंतराल है, सॉरी 6 से 10 है, 10 क्योंकि 4 का अंतराल है ना, तो 6 से 10 है, 10 से 14 है, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26 है, ये 6 से 10 था, ठीक है, लेकिन थोड़ा गलती हो गया था, 6 से 10 था। अब यू जितना पढ़ा है उसी को एच, इसका एच का मतलब होता है वर्गमान, एंड अपना भाषा में कहे कितने तड़प रहा है, कितने तड़प रहा है ना, वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल में कितने तरफ रहा है, वही कहलाएगा एच यानी वर्ग माप। ये आपको बहुलक के वीडियो में हम समझा दिए थे, ठीक है। अब चलिए इस सवाल को थोड़ा सा आगे और करते हैं और देखते हैं उसके बाद, है ना, इस सवाल को बनाने का शुरू करते हैं। देखिए जो सवाल है वो लिख लीजिए, पहले वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दे दीजिए, थोड़ा पीछे करके लिखते हैं, क्या एडजस्ट करना भी तो है, वर्ग अंतराल
पहले वर्ग अंतराल लिख दीजिए। आप देख नहीं पा रहे होंगे तो देख लीजिएगा जैसे वर्ग अंतराल पहले लिखे हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता लिख दीजिए, बारंबारता। उसके बाद लिख दीजिए एक चीज और लिखना पड़ेगा, पहले जो दिया वही लिखिए। सुनिए, वर्ग अंतराल यानी वर्ग अंतराल कुछ जो तरफ रहा वही एच होता है, और इसको बारंबारता को बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? एफ, जो बारंबारता होता है उसी को एफ कहा जाता है। जो है वो लिख दीजिए, 6 से 10 है लिखिए, 10 से 14 है लिखिए, और 14 से कितना है, 18 है, 18 से 22 है, और 22 से 26 है। यहां पर आपको कुल कर दीजिए, क्योंकि बुक में योग रहता है तो आप कुल करके चलिए। अब देखिए, अब इसमें बारंबारता क्या दिया हुआ है, 2 है 5 है 12 है और 16 है और क्या है, 25 है। चलिए, इतना बारंबारता आपको दिया हुआ है। तो आप लिखिएगा यहां सिग्मा एफ बराबर कितना दिया है, सिग्मा एफ का मान पहले जोड़ के लिख दीजिए। सिग्मा एफ का मान कितना दिया है, 25 और 6 31 10 41 41 और 2 43 और 10 53 और 8 61 हो गया क्या, 5 5 2 7 और 7 और 12 19 19 6 25 25 10 35 35 और 5 40 और 20 60 है इसका मान, 60 है इसका। अब इसमें आपको इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज और देखना पड़ेगा, जिसका नाम है वर्ग चिन्ह। आपको पहले निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है, यहां पर आपको निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह। इसी को एक्स बोलते हैं, इसी को एक्स बोलते हैं वर्ग चिन्ह। इसका मतलब होता है ऊपरी सीमा, निकालने के लिए ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन में टू। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन में टू, इसी को बोलता है उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बट्टा में दो। अब ऊपरी सीमा कितना है, 10 है दीजिए, निचली सीमा कितना है, 6 है दीजिए, अपॉन में कितना है, 2 है, 16 हुआ, और दूसरे कट गया कितना है, 8 आ गया। इसका कितना आया पहला, 8 आया। अब देखिए, एक तो सबको आप जोड़ जोड़ के लिखिए और 200 भाग दे जाइए। इसको सब लिखिएगा तो पता चलेगा वर्ची में ही कॉपी भर गया, तो आप सब मत लिखिएगा, ठीक है। आपको सब नहीं लिखना है, आपको लिखना क्या है वो समझिए। आपको जब ये दोनों जोड़ दीजिएगा ना, 10 16 16 में 200 भाग दिए तो 8, आप देखिए 24 24 में 200 भाग दिए तो 12। और नहीं समझ में आता कितना तरफ रहा है, 4 ना, कितना का मार्जिन है, प्लस 4 का मार्जिन है कि नहीं है। सब में 4 जोड़ते चल जाइए, 8 4 12 4 16 4 20 और इधर हो गया 4 24, ऐसे जोड़ दीजिए, ये भी हो जाएगा। अब आपको किस विधि से सवाल को बनाना है, आपको किस विधि से सवाल को बनाना है, ये दिमाग में पहले सोच के बताइए हमको। आपने कहा भैया आपको प्रत्यक्ष विधि से इसको बना दीजिए, चलिए इसको निकालते हैं प्रत्यक्ष विधि से। तो लिखिएगा जितना नंबर सवाल हो, प्रत्यक्ष विधि से। अब उसके बाद क्या दीजिएगा, माध्य बराबर, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ। चलिए अब तो आपको देखिए एक चीज गौर कीजिए इस पर, आपको क्या क्या मान अवेलेबल है, सिग्मा एफ का मान पता है, एफ एक्स का मान पता नहीं। एफ एक्स मतलब एफ गुणे एक्स, एफ एक्स मतलब क्या, एफ और एक्स का गुना, वर्ग चिन्ह और बारंबारता है उसका गुना, ये दोनों का गुना चाहिए आपको, कीजिए गुना, यानी आपको देना पड़ेगा एफ एक्स, ठीक है। अब यहां पर लिखिए एफ एक्स, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना होता है 16 12 5 60, 16 12 करना है 160 और 32 192, 20 को इससे तो 320, 24 को 25 से तो 25 को 24 से 25 के तो इसका हो जाएगा 240 240, गुना कर लीजिए आप इसको, यानी गुना कर रहे हैं सब दोनों को, तो 240 240 480 और एक बार में 120 600 600 सिग्मा एफ एक्स आप निकाल रहे हैं, कुल कुल का सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं,
ये एफ एक्स और नीचे लग जाएगा सिग्मा, जैसे ये था बारंबार था और नीचे लग गया सिग्मा, सिग्मा एफ, इस तरीका से दोनों को जोड़िए सबको, तो 60 और 16 कितना हो गया 76, ऐसे नहीं जोड़िए, ऐसे जोड़ लीजिए 6 2 8, 8 लिख दीजिए ऐसे, 1 और 6 7 और 7 और हो गया 9 16, अरे 9 6 15 1 16 हुआ ना, 16 2 18, फिर लिख दिया 18 18 से 1 2 और 5 और 5 और इधर 11 88, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया कुल 1188 आया, 1188 अपॉन में कितना है 60 है, अब 60 से भाग दीजिए जो आएगा वही इसका आंसर देना है, 1188 में, 1188 में भाग देना आपको 60 से, अब 60 दुनी 120, अगर यहाँ पर 1200 से निकल काम हो जाता लेकिन होगा नहीं, अब वो क्या करना पड़ेगा, पहले एक और में लगाइए 60 से, घट गया कितना आ गया देखिए 8 में से गया था, कुछ तो है नहीं तो 8 है, और ये 8 में से 0 गया था 8 हो गया, और ये हो गया 588, अब कितना में लग जाएगा 60 से, 9 6 54, 9 से लगाइए 9 6 54 540, अब 8 6 48 लगा दीजिए, ये कैंसिल हो गया पूरा, समझे कि नहीं समझे, अरे ये 2 बम्मी छोड़ यूज हुआ था, 4 बचेगा, ये पूरा कट गया, अब कितना आया आपके पास 19.8 आया है, आपने प्रत्यक्ष विधि से जिस सवाल को बनाया उसका आंसर आया 19.8, समझ में नहीं आएगा ठीक है, उसको आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, उसको कल्पित विधि को नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे आपको, ये दोनों हम ठीक है इसी में ऐड कर देंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा और आपको वीडियो भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कल्पित विधि को ऐड कर देंगे ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्रत्यक्ष विधि तक, और एक सवाल हम जरूर लिखेंगे आपको, ऐसा ही सवाल ऐसे में ऐसे सवाल ले आएंगे, यही सवाल ले आएंगे, और इसी सवाल को आपको 3 मेथड तरीका से बताएंगे आपको, पद विचलन है ना, कल्पित और प्रत्यक्ष विधि, आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंथ, तब तक के लिए थैंक यू।